मैं 100 करोड़ रुपए का एक मुझे हॉस्टल और एक स्कूल बनाना है माइनॉरिटी का, वो पैसे मैं मार्च में दूंगा, उसको युद्ध पाथरी पे आपका प्रस्ताव प्रपोजल मेरे पास जो आ जाएगा, ये दोनों प्रपोजल उसको भी दिया जाएगा। यहाँ के जो MLA है MP है आपका भी जो प्रपोजल रहेगा जो माइनॉरिटी के एरिए के विकास के लिए, वहाँ की कब्रस्तान है, वहाँ की शादी खाना, वहाँ के रास्ते, ड्रेनेज लाइन, उसको भी पैसा दूंगा स्पेशल, क्योंकि ये दो शहरों से शहर का नाम पहले औरंगाबाद था, संभाजीनगर बनाया, उसके पहले लोग बोलते खड़की था, क्या क्या बताते भैया, मुझे तो इतना मालूम नहीं, जो बोलते अपने हाउस समझना, जो अल्लाह ने आज का जो हमारा कानून हमने बनाए उसके लिए आप मानो या मानो ना मानो, इधर से नहीं था मैं नहीं मानू, अरे मतलब पूछा किसने तुमको, एक आदमी बोला हम थे और एक दोस्त था हमारे सभागार में चक्कर में, वो बोले मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं बोलती, पूछा किया भैया क्यों वातावरण खराब कर रहा हूँ, एक ऐसी दोस्त था अपना, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बात करके फायदा क्या है, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, वोटिंग लास्ट में यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बताया है वो यहाँ का जो कानून बनाया है वो मेजोरिटी इज लॉ, जो मेजोरिटी में जो फैसले लिए जाएंगे वो कानून बनेगा, और आपकी मेजोरिटी आने के लिए मैंने उनको बोला कि 200 साल अभी और लगेंगे, अब सौ सिलक बढ़ा दिए उन्होंने, आपको लगता है कि जो अभी जनता कम हो रही है जो दो और तीन के बीच में आपने लिए है वो दो और तीन का कानून तुम्हारे मेरे लिए इनके लिए नहीं है, मतलब हमको क्या चुनाव लड़ना पड़ता, तीसरा आपत्ति आगा क्या कैसा लड़ता, बाकी लोगों के लिए नहीं, हमको अगर राजकारण करना है हमारे देश में जो कानून बताया उसका हमने अमल कर दिया, ये देश में देखो सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़े, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक चला, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यहाँ मंदिर बनेगा, सारे मुसलमानों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने एक मिनट में बोले ठीक है, जो फैसला हम अनाज खाते हैं, हम हमारे देश का कानून है, हमारे देश में जो सरकार है और सरकार के भाग में कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है, सब सुप्रीम है, तो सुप्रीमो के कोर्ट का हमने मान सम्मान किया, और बाकी चीजें यहाँ बोलने की नहीं है, लेकिन कुछ लोग वहां भी राजकारण करते हैं, बरोबर है प्रदीप जी, वहां राजकारण नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया खत्म, हमें लड़े हम कहां तक लड़ेंगे, कहां तक आवाज पहुंचेंगे कोर्ट तक, और कोर्ट तक आवाज पहुंची लोगों ने वो भी अवाम ने जो आसानी के साथ यहाँ जो हमारा नुकसान बहुत लोगों को डर था उस वक्त, मैं भी दुलिया जिले का पालक मंत्री था, दुलिया जिले में बहुत सेंसिटिव जिला, मैंने वहाँ के जितने कलाकार थे सबकी मीटिंग लिया, मैं बोला कोर्ट का फैसला कोई भी आएगा इस शहर में कोई शांति के संगत अमन के संगत वो उसको स्वीकार, दुनिया में क्या बहुत सेंसिटिव था, थोड़ी सी बात हो गई तो वो नहीं हुआ, हम मैं इसलिए कोर्ट देखो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है बुरा है सुप्रीमो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का अच्छा ही बोलना चाहिए, उसको बुरा बोलने का किसको हक ही नहीं है, मैं फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे दुआ की दरख्वास बोलने के लिए, बोलने के लिए उनको जेल में डाल देंगे, ये खासदार साहब क्या बोले मुझे, क्या बोले जितने लोगों ने आंदोलन करे उनके जितने केसेस है वो वापस ले रहे हैं, नहीं लेंगे और क्या करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं, अरे जब 40 साल अभी बताए आप नहीं समझे मामू, बैठो मैं बताता हूँ, जब नाना जैसे सीनियर नाना हरिभो बागड़े साहब ने बताया कि प्रेम, जबकि राष्ट्रपति जी उन्होंने जो किए इसको 40 साल लगे, तुमने 7 दिन के अंदर ही खरीद करा, तो ये जो है 40 साल लगे उन्होंने ही बोले, मैंने बोला क्या कि मैं नाना को बोला नाना ऐसा बोलो 40 साल पहले यही कुदाली मारी गई, यही टिकास मारे गए, यही ना मुझे भूमि पूजन हुआ लेकिन काम नहीं हुआ, लेकिन आपके वजह से हो गया, अब मैं GR निकालता, क्या नाम है आपका, ये इम्तियाज जलील ने इतने लोगों को कान में मंत्र दे के रखा है कि हर आदमी जब भूखू कान में वही बोला धक्के क्यों मार रहा, यही था वो पुलिस कमिश्नर बोला ये कौन है वहां मेरे हाथ से उद्घाटन
भी जा रहे हो। मैं बोला इंटर आपने पायलट क्योंकि अपने लोग बना रहे हैं, हम जाएंगे जब कटेंगे वो। इधर आओ ना इसी। मैंने मेरे 42 साल में 43 साल में पहला उद्घाटन देखा कि उद्घाटक कोई तड़ी पार कर रहे उनको फोटो काटना है तो फोटो काटने के भी सिस्टम कुछ बना लो। इम्तियाज जलील साहब तुम्हारे लोगों को हमारे लोगों को अपने लोगों को तीनों बोला मैंने समझ जाएगा कि इनको बताना पड़ेगा कि नहीं हमारे पास जो नाना जैसे सीनियर लीडर प्रदीप भैया होंगे राजपूत होंगे मैं और इनका जलील साहब हमको कितने भी धक्के दिए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत धक्के खा गया सर लेकिन ये भी बदलना पड़ेंगे टेंडेंस अपने पास जो मेहमान आते हैं उनकी इज्जत करते उनको सबको मान सम्मान देना ताकि उन्होंने बोलना चाहिए कि हम यहाँ हज हाउस के प्रोग्राम को गए वहाँ के लोगों में क्या अदब और तहजीब है। ये 99% लोग अच्छे कितने बोला मैंने 99% अच्छे पर वो 1% जो है उनके मोबाइल दे तो मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है पर 99% लोग जिनकी जरूरत है हमारे पास से एक थोड़ी सी चीज रही है मैं उसका खुलासा करने वाला है कि इत्यादि जलील साहब ने जो बताया आपने जो बताया कि यहाँ से हजी को डायरेक्ट जाना चाहिए उमरे को जाना चाहिए हज को जाना चाहिए वो जो डिफरेंस है 82,000 रुपए का डिफरेंस है। आप केंद्र में बोलो आपको चर्चा करना पड़ेगी कि यहाँ का अगर आपको यहाँ का एयरपोर्ट चलाना है तो एयरपोर्ट ऐसा नहीं चलेगा कि मुंबई वाले को 86,000 रुपए कम है किसी को 72,000 रुपए नागपुर वालों को ज्यादा है और यहाँ अपने पास 86,000 रुपए ज्यादा है। तो ये केंद्र सरकार को भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो टूरिस्ट लियाने वाले हैं जो टूर ऑपरेटर हैं जो भी हज कमेटी है इसके बीच में हम एक मीटिंग लगाएंगे। मैं आपको भी बुलाऊंगा अनिल बागले साहब को भी बुलाऊंगा और प्रदीप जी को भी बुलाऊंगा मजाक साहब को भी बुलाऊंगा हज कमेटी के सदस्य साहब को भी बुलाऊंगा। इनकी लाइन नागपुर में अच्छी है मतलब वैसा कोई गलत मतलब नहीं बोला मतलब आप देवेंद्र जी को बोलेंगे और ये चीज हमको करना होगी कि औरंगाबाद संभाजी नगर से जो हाजी जाता है उसको 80,000 रुपए बहुत बड़ा फिगर है नहीं तो फिर वो 80,000 की अब मुझे सब्सिडी देना पड़ेगी। यही तो है ना लेकिन आप सुनो कि वहां इसलिए तो आपको भेजा कि वो एयरलाइंस को सीधा करो उन्हें हाथ ऊपर गए तो उसके हाथ नीचे करो ऐसा करो करना पड़ेगा। एमपीए आप खासदार साहब जो है नहीं सही बता रहा मुझे लोगों ने बोले यहाँ पैसे सिलक लगते वो सरकार का रेट नहीं है सरकार ने बढ़ाई नहीं है वो जो ऑपरेटर है वो जो कंपनी से जो विमान कंपनी से उनका टाइप हुआ है उन लोगों ने ये जो पैसा दलाली सिलक ले रहे उनको भी कंट्रोल हम सबको करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है तो कोई थर्मल अगर खून पीता है तो एक बार पी लिया दो बार पी लिया तीसरे बार को रगड़ डालना पड़ेगा नाना को जाना है मैं समझ गया जब कोई ऐसी स्टाइल करता तो मैं समझ जाता कि मेरा वचन खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मेरे से सीनियर है वो आ रहा हूँ नाना को जाना है पर मुझे नहीं जाना है मुझे बोल के जाना है। तो ये जो सारी चीजें के संगात जो हमारे डिपार्टमेंट है ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है करना चाहे तो अभी जो सारथी है जो पार्टी उसके जो मार्टी तो मार्टी का जीआरवी 30 दिन में निकल जाएगा और मायने की वो जो ऐसा है एक संशोधन केंद्र है कि वहां से मुसलमानों की हर चीज पूरी स्टेट की तपासी जाएगी उसके अंदर क्या उनकी मानिया करते कितने नौकरी में कितने व्यापार करते कितने बिजनेस करते हर एक का जो वो रिसर्च सेंटर जैसा मौलाना आजाद वही है जब वो खाली है अभी वही उसका डन कर देंगे क्या है उन्होंने बताया उधर से तुमने बताया तुमको जाना है उधर छावनी में मिनिस्ट्री के अंदर ना तुम्हारा ऑफिस खासदार साहब और बजाज साहब तुम्हारा ऑफिस बनाना है वहाँ और इनका बनाना है मार्टी का मौलाना आजाद बना देंगे क्या लगता हो बोलो मैं जब तक है देना यार नहीं तो मैं भी बहुत डरा यार बहुत ये डिपार्टमेंट के लिए बहुत डरा मैं कुछ लोग बाहर बताते हैं हम लोग को फोटो काटना है यार मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं अल्लाह मियां ने इतनी मार्केटिंग कर दिया मेरी तो मुझे कोई मार्केट की जरूरत रहती नहीं इसलिए मैं
नहीं खोल दिया है, लेकिन रास्ता नहीं मिला तो तुम्हारी पार्टी की जगह है। तो ये जो मार्टी के बारे में जो बताया, ये बहुत बड़ा काम है। एक बार अगर हमने इसका कानून बना के जीआर निकाल दिए और एक बार वो सर्कुलर में आ गया, तो सारी चीजें करने के लिए मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं। वो कमेटी जैसे जैसे सिफारिश करेंगी वैसा वैसा माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट चलेगा। ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने और देवेंद्र जी ने और अजीत दादा ने मुझे मंजूरी दी, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ताकि देखो ये सरकार हिंदुत्ववादी है, मैं बता रहा हूं, लेकिन मुसलमानों को भी न्याय और इंसाफ देने में कम नहीं। इसके लिए तुमने गाली में देना चाहिए, सिर्फ गाली में देना चाहिए, गाली में बजाना चाहिए। ठीक है, बाद में जाके विद्या देवी तुमको जो बोलेंगे वो तुम सोचो, मेरा उसके बारे में भी कुछ नहीं है। पर मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो प्रदीप जायसवाल के ही जय जयकार करूंगा, क्योंकि प्रदीप जायसवाल के वोट पे मैं मंत्री बना हूं। सरकार हमारे भगवान है, बड़े भाई है, 105 105 है, हम 40 है, लेकिन जो ऑपरेशन हमने किए हमने, लोग हमको बोले आके बताओ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बोले छोड़ रहे कोई कुछ नहीं करता क्या हमको बता रहे उल्लू। और फिर अदृश्य परिस्थिति में हमारे संगत बड़े बड़े चट्टान लगे थे, अरे अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, मैं मुसलमान हूँ कि मुझे दाढ़ी नहीं है, इनको दाढ़ी है। एक सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त कमिश्नर साहब, दोनों कमिश्नर आ गया, पहले पुलिस कमिश्नर आए, अब म्युनिसिपल कमिश्नर आए, रेवेन्यू कमिश्नर नहीं आए लेकिन उनके कलेक्टर आए। हमारे पास क्या माइनॉरिटी है ना यार, सोच का अंदाज माइनॉरिटी ऐसे रहता है, लेकिन आपको उसको मेजोरिटी में बनाना है। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है इस शहर के अंदर, बड़ा पॉपुलेशन है कमिश्नर साहब, मुझे तो आपको बोलना था लेकिन आप गैर हजर थे, गैर हजर वालों को बोलता नहीं था। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल हमको बनाना है। उसके साथ आपको और एक बात करना है, मैं इधर गया था अग्रवाल समाज मारवाड़ी समाज पे बोलता था गुरु गणेश, यस, वहाँ कैसी है कि वहाँ जो गाय है वहाँ की, वो जब एक्सपायर हो गई तो उसको गाड़ने के लिए बहुत तकलीफ होती। मैं कलेक्टर को प्रपोजल दिया है लेकिन चलाने का आपको हमें पत्र देना होगा ताकि वो विद्युत में। मैं एक इंतजार में था नाना का, आपल्या महाराष्ट्र सरकार ने 3600 कोटी रुपये केंद्राला दिले जळगाव जालना रेल्वे साठी, पण उद्याच्या बजेट मध्ये आपला नाव नाही आला, त्याची खर्च मला सिल्लोड सोयगाव रेल्वेला अटॅच करायचं होतं। राज्य सरकारने 3600 कोटी दिले, त्यांचे 3600 कोटी टाकले असते तर 7200 कोटी मध्ये आपली रेल्वे लाईनची कामाची सुरुवात, अजून भी 10-15 दिवस बाकी आहे। जरा आप जरा खासदार बाजू के शेजारी इश्यू हो गए तो मैंने खजूर का हिस्सा आपको मदद किया, जरा हमारे उधर विधान उधर लोकसभा में आप बोलो जलगांव जालना रेलवे होना चाहिए। देखिए हमारा हमारे आदमी नाना, मैं बोल दिए हो जाएगा नाना, नाना आप बोल रहे करो ना खासदार साहब, रेलवे तुम्हें सीनियर है नाना। वो क्या रहता है नाना, हमारे मुस्लिम में एक बात है, ये जो बड़े लोग हैं उसमें एक चीज है कि दे दे मतलब खुद का दे दे, दिला दे दूसरे का दिला दे, और जो देता नहीं उसका पता बता दे। तो तीनों में से उसका पता आपके पास है यार, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के आपके दोस्त है। मैं दोस्त पार्टी का कार्यकर्ता, मैं तो मंत्री हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी करो, इनका दिलीप साहब भी करेंगे, प्रदीप जायसवाल भी करेंगे, लेकिन मैं जो चुनाव क्षेत्र से आता हूँ वहाँ ट्रेन आएंगी, MIDC होगी, वहाँ रस्ते इतने अच्छे बनेंगे, हमारे पास सुगिरनी
के चुनाव क्षेत्र में 25,000 करोड़ के काम चल रहे, 25,000 करोड़ 25 साल में नहीं मिले तो ऐसा नहीं करते लोग बोलेंगे 25 साल 17 की जरूरत नहीं जानते हो, ऐसा होना चाहिए मेरे सिवा होंगे। ये सब चीजें जो मैं यहाँ के हमारा जो हज हाउस बना है उसमें बहुत बड़ा काम हमारे कॉन्ट्रेक्टर इतना बड़ा हाल जितना है उतना ही अच्छा काम किए। एलोरा वाले का नाम क्या है? अनवर खान वंडर। एलोरा है जो वंडर ही मालूम नहीं मेरे को है। अब ये इंग्लिश के नाम भी आप लोगों को वंडर विंडर तुमको मालूम है? अनवर खान, अनवर खान, अजिंठा, अनवर खान। इधर फेस्टिवल के प्रोग्राम है वहां भी हमको जाना है, लेकिन इससे अच्छा काम सिडको ने किया है। सिडको के सारे ऑफिसर, सारे उनके अधिकारी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम, आप पूरा देखो हेलो, अच्छा काम किया है, अच्छी क्वालिटी का किया है। और नहीं तो काम ऐसे होते हैं, काम बहुत देखते हैं, लेकिन ऐसा काम, अच्छा काम, ईश्वर अल्लाह भगवान आपको भी सिडको तुम्हारा याचा फार मोठा बेनिफिट मिळेल। आशीर्वाद न दिसणारा आहे, दिसणारा असता तर यार टाटा बिर्ला अदानी अंबानी ने खरेदी करून घेतला असता, तुम्हाला मिळणार आहे। मग जो दुआ आहे बाजू में कितने मैंने उसको यार ठहरना भैया, अरे ठहरी यार, वही करते यार, कितने बार करते हाजियों को सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, गलत है सर। नहीं अभी देखो, ये जो मराठवाड़े का एक सबसे बड़ा शहर है औरंगाबाद संभाजीनगर, इस शहर के अंदर जो है यहाँ की जितने हाजी लोग हज को जाते हैं उनकी सारी चीजें यहाँ से, अभी उनको रहने से लेके खाने से लेके इबादत से लेके मस्जिद से लेके सारे यहाँ हमने उनको हाईटेक जो सारी सुविधाएं देना चाहिए वो देने का काम किया है। और आज से ये लोगों के बीच में जो हमारे पास कई दिनों से बना हुआ था हज हाउस, इसका आज इनॉग्रेशन हो गया, इसका इब्तदा हो गई, इसकी शुरुआत हो गई। ये आप लोगों के लिए रोज़ के लिए यहाँ एक पॉलिसी बनाई जाएंगी, प्लानिंग बनाया जाएगा, और उसके तहत महाराष्ट्र सरकार का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हज कमेटी, ये दोनों के साथ मिलके यहाँ काम किया जाएगा ताकि मराठवाड़े के हाजियों के लिए यहाँ से जो उनको हज को जाने के लिए जो कुछ जो जो उनको हम जामा मस्जिद में कई दिनों से सारी चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ देते थे, लेकिन अब उनको ये हज हाउस से होगा। आने वाले समय में MPSC UPSC मुंबई में जैसा बच्चों को पढ़ाया जाता वैसा भी नहीं? देखो ये इसके बारे में अभी हमने जो पहली बार फैसला लिया है कि UPSC MPSC या बाकी की जो स्पर्धा परीक्षा है उसके अंदर जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास मांडकी, नारेगांव, यहाँ हमारी दो ज़मीनें वक्फ बोर्ड की, अवकाफ बोर्ड की, तो वो ज़मीनों को डेवलप किया जाएगा और वहाँ 100 करोड़ रुपये का प्रपोजल तैयार होगा जो KG से लेके तो PG तक सारा एजुकेशन लेडीज़ के, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, हॉस्टल से लेके तो पढ़ाई, वहाँ सारे डिपार्टमेंट के तरफ से एक पहला जो महाराष्ट्र का वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कॉलेज स्कूल और UPSC MPSC के क्लासेस वहाँ लिए जाएंगे ताकि जो बच्चे टैलेंट है, ब्रिलियंट हैं, उनको अच्छी पढ़ाई मिले और दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम होना बहुत ज़रूरी है और वो देने का काम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आने वाले कुछ समय में करेगा। आपने देखा कि हमने जो सारथी, धारती, मार्टी के दरमे माइनॉरिटी, ये नया एक हम कंसेप्ट सामने ला रहे हैं ताकि उनका जो संशोधन है, उनको जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट लगती है, जो उनकी सारी माली हालत से लेके तो एजुकेशन से लेके नौकरी से लेके व्यापार से लेके बिजनेस से लेके ये सब का सर्वे होगा, सबकी मालूमात जमा किए जाएंगे और बाकी के समाज के साथ यहाँ के माइनॉरिटी समाज को भी न्याय देने का काम इस हज हाउस का एक बहाना है। आज पन मैंने यहाँ से जो बताया, सामने हमारा जो लेबर कॉलोनी था, लेबर कॉलोनी के एक साइड के जगहों में वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा, वहाँ वक्फ बोर्ड का ऑफिस होगा, उसके संगाथ संगाथ हमारा मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन जो 30 करोड़ का था उसको 500 करोड़ रुपए किए, महाराष्ट्र सरकार से उसकी मंजूरी दी है, लेकिन अब उसका फ़ायदा अवाम तक पहुँचने के लिए उसका भी एक ऑफिस सामने बनाया जाएगा, मार्च में उसकी ऐलान किया जाएगा, घोषणा की जाएंगी और उसका हमारे जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो स्पीच देंगे उसके अंदर उसका उल्लेख किया जाएगा। यहाँ 150 करोड़ रुपए का हम हाईटेक एक अच्छा जागतिक लेवल का, दुनिया के अंदर जो कुछ देशों में जैसा फुटबॉल ग्राउंड रहते हैं वैसा फुटबॉल ग्राउंड यहाँ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बनाने का काम के लिए चारों हमारे डिपार्टमेंट, महसूल विभाग,
माइनॉरिटी विभाग और हमारा पास जो एक अहम विभाग है जो एजुकेशन का काम करता है, वो एजुकेशन घाटी के लिए वो जगह जो साइट की अलॉटमेंट हुई थी वो हमने वापस ली, क्योंकि घाटी के पास काफ़ी जगह है और यहाँ की ये जगह जो है यहाँ उसका इस्तेमाल जो करना है वो एक अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का वहाँ ग्राउंड बनाया जाएगा। माइनॉरिटी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुख्यमंत्री CM बने, उसके बाद से आप बने, काफ़ी सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। मैंने बताया आपको कि ये एक हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार के साथ माइनॉरिटी समाज को न्याय और इंसाफ देने का काम पहली बार हो रहा है। मैं गए 4 महीने से इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर मुख्यमंत्री